जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ना है कि डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, आइटरेटिव एल्गोरिदम है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। हमारे पास क्या होता है, ये डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम आइटरेटिव एल्गोरिदम है हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। और ये कभी भी वेटेड कोई ऐसी वैल्यूज जिनके वेट्स जो है लेट्स सपोज -2 गिवन होता है यहाँ पे हमें इस जगह पे, तो हम कभी भी उन चीज़ों के साथ काम नहीं कर सकते। डज नॉट वर्क विद नेगेटिव वेटेड ग्राफ, उन ग्राफ के साथ ये काम नहीं करता जिनकी नेगेटिव वेट होते हैं। एग्जाम्पल में ये गिवन है, स्टेप्स आर सेम। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिमूव करना है लूप को। पहला स्टेप कहता है आपने रिमूव करना है किसको, लूप को। यहाँ पर कोई लूप है, यस ये लूप है, इसको क्या करो क्रॉस कर दो। सेकेंड स्टेप कहता है रिमूव करो आप पैरेलल एजेस को। पैरेलल एजेस कौन सी होती है, दो जो कटी जा रही होती है, और किस वाली को आपने रिमूव करना है विद मैक्स वेट। जिसका मैक्सिमम वेट होगा उसको आप हटा देंगे और मिनिमम वाले को रखेंगे। इसमें हमारे पास कोई पैरेलल एज नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक हो गया। थर्ड स्टेप हमारे पास होता है, हमने वेटेड मैट्रिक्स बनानी होती है। वेटेड मैट्रिक्स का एक टेबल जनरेट करना होता है जो कि हमने ये जनरेट किया, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास हमने क्या करना है, सबसे पहला काम है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन। हमने लेट सपोज सेट कर दिया कि ये हमारा क्या है, सोर्स पॉइंट है, ठीक हो गया। ये हमारा क्या है, सोर्स पॉइंट है। तो सोर्स देखिए, आप एक जगह से चले हैं वहीं पे आपने, आप अभी मूव ही नहीं किया तो आपका कितना होगा वो डिस्टेंस, जीरो। तो आप क्या करेंगे, जीरो सेट कर देंगे सोर्स को जीरो, और रिमेनिंग सारों को आप इन्फिनिटी सेट कर देंगे, ठीक हो गया। अब जब इनमें से सबसे लेस वाली कौन सी है, ये है ना सबसे लेस, तो इसको मार्क कर दो, मार्क्ड वैल्यू यहाँ आपके पास पीछे आ जाएगी, सही हो गया। अब आपने सेकेंड में आपने ये देखना होता है कि कौन कौन सी एज डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड है। देखिए एक इसे डायरेक्टली कौन कौन सी एज कनेक्टेड है, बी डी और ई, तीन एजेस इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इट मींस हमने अपडेट किस किस को करना है, ए के साथ कौन सा कनेक्टेड है, ए के साथ नीचे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी क्योंकि ये मार्क्ड होगी, बी देन डी देन ई, ठीक हो गया। ये तीन हमने अपडेट करने हैं, बाकी वैल्यूज हमने अपडेट नहीं करनी, यानी सी और एफ की जो वैल्यू है उसको हमने अपडेट नहीं करना, तो वो एज इट इज नीचे उतार लिया। अब इनको आपने अपडेट करना है ना तीनों को। अब इनका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला हमें ये कहता है, बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है कि न्यू डेस्टिनेशन वैल्यू इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ओल्ड डेजिग्नेशन, जो आपकी पुरानी डेजिग्नेशन थी वो, कॉमा मार्क्ड वैल्यू प्लस एज वेट, ठीक हो गया। एज का वेट कितना था वो आपने करना होता है। अब देखिए हमने बी वाले को अपडेट करना है ना, तो हम ये करेंगे क्या, मिन ऑफ ओल्ड डेजिग्नेशन क्या थी इसकी, इन्फिनिटी, मार्क वैल्यू कौन सी थी जीरो, प्लस एज का वेट। ए से बी की जानेब एज का वेट कितना है, देखिए ए से बी की जानेब एज का वेट कितना है, टू, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू लिख देंगे, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से मिनिमम इनमें से इन्फिनिटी मिनिमम है, टू मिनिमम है, तो हम इसको अपडेट कर देंगे टू के साथ। इसी तरह सेम एज इट इज डी के केस में। अब डी के केस में हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ डी की ओल्ड डेजिग्नेशन वैल्यू इन्फिनिटी, मार्क्ड वैल्यू जीरो, प्लस ए से डी का एज का वेट कितना है, थ्री, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कौन सी मिनिमम है, थ्री मिनिमम है, तो आप क्या कर देंगे, इसको अपडेट कर देंगे थ्री के साथ। अब आपने यहाँ क्या लिख देना है, थ्री लिख देना है। सेम एज इट इज आप ई के साथ करेंगे, इन तीनों को आपने अपडेट करना है ना। अब आपने क्या चेक किया, मिनिमम ऑफ ओल्ड डेजिग्नेशन वैल्यू क्या थी, ई की पास आपकी इन्फिनिटी थी, वो आपने लिखी, कॉमा मार्क्ड वैल्यू जीरो थी, प्लस ए से ई का जो एच का वेट था वो हमारे पास टू था, तो अब इनमें से हमने क्या कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई, अब इसको हमने अपडेट कर दिया। अब देखिए हमारे पास ये अपडेट्स थी, हमने खत्म हो गई। अब हमने देखना है इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, बी भी है और ई भी है। इन दोनों में से आपकी अपनी मर्जी होती है, आप जो सिलेक्ट कर ले, मैं अल्फाबेटिकली बी को सिलेक्ट करूंगी और पीछे मैं यहाँ लिख दूंगी बी। अब आपने देखना है बी के साथ डायरेक्टली कौन सी कनेक्टेड है, तो हम अपने ग्राफ की जानिब देखते हैं, बी के साथ डायरेक्टली कौन सी कनेक्टेड है, सी ए, ए तो विजिट हो चुकी है, सी और डी, दो है ना, सी और डी, मतलब आपने एक इसको अपडेट कर रहे हैं और एक आपने दोबारा इसको अपडेट कर रहे हैं, सी और डी को अपडेट कर रहे हैं। सेम फॉर्मूला आप रिपीट करेंगे, देखें आप क्या करेंगे, सी हम क्या कहेंगे, मिनिमम ऑफ ओल्ड डेजिग्नेशन सी की क्या थी, इन्फिनिटी, कॉमा मार्क वैल्यू क्या थी, अब टू है, चेंज हो गई है, प्लस
एच का वेट कितना है, जो कि आपका बी के सी, बी से सी की तरफ एच का वेट था 2, तो आपके पास आ गया आंसर 4। यहाँ पर आपका आंसर आ गया 4, तो आपने इसको अपडेट कर दिया 4। सेम एज इट इज, आपने जिस चीज को अपडेट करना था आपने उस चीज को अपडेट किया, और पुरानी जिनको नहीं करना होता ना उनकी हम पुरानी वाली ही वैल्यू लिख देते हैं। इसको मैंने इसी तरह सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ से आप देखिए सबसे स्मॉल कौन सी थी, 2, मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह डी और सी आ जाएगा आपके पास 4, 3, देन आपके पास ये चीज सिलेक्ट हो गई थी खत्म। देन आप क्या करेंगे, यहाँ से डी के अकॉर्डिंग आपने काम किया, ए के, बी के, ई के, डी के, अब सी के अकॉर्डिंग 4 था, और यहाँ से आपके पास क्या हुआ, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट किया था, ये आ गया, एंड देन 5। अब देखिए इन दोनों में से कौन सी स्मॉलेस्ट है, ये, तो मार्क वैल्यू कौन सी होगी, आपके पास सी हुई थी। अब आपने देखा इसके बाद ये आया, तो ये आपके पास मार्क वैल्यू थी एफ। तो ये आपका सिंपल सा था डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम। थैंक यू सो मच।